Hello, I am Sarvagya, aka OCD, a sneaker customizer and an architect. I love this city. From my point of view, Chandigarh is more of an architectural marvel than an artistic expression, I would say. Personally, I would say कि ये 20 साल पहले शुरू हो गई थी. When I painted my first custom, almost 20 years back now, when this movie came out 2004 में, बहुत लोगों ने, the students, my classmates were really surprised in this. उस time पे parents didn't allow you that much, and everybody was like forced to tear my sketches, my canvases, forcing me into doing something which I didn't want to do. Then I took up architecture, did my 5 years, but in the middle of that, I was required to paint something for the college, and some of my seniors had seen my work. मैंने छोड़ ही दिया था बिल्कुल भी आर्ट करना, बस थोड़े स्केचेस जो मैं पहले इलस्ट्रेशन बनाता था बस वो था. जो हाई उस टाइम पे स्कूल में मिला था वो हाई मुझे दोबारा मिल गया, सो समथिंग फ्लेम्ड फ्रॉम दैट, तो वो स्पार्क हो गई एकदम से दोबारा चीज. I started doing wall arts. उसी टाइम मैंने शुरू कर दिया था, अगेन टेकिंग मी इनटू दैट डायरेक्शन. इन माई कॉलेज टाइम अ फ्रेंड ऑफ माइन, शी बॉट मी अ स्टड टू प्ले फुटबॉल. जैसे ही मैंने कॉलेज पास आउट किया, आई टुक दैट स्टड और मैंने उसको पेंट कर दिया. आई वोन फुटबॉल मैच, द ऑपोजिशन वेल वेंट लाइक क्रेजी. कैनवसेस कर लिए, वॉल्स कर ली, डूडलिंग कर ली, ये सब हो गया था. आई वॉन्टेड टू टेक इट अप एज समथिंग एंड क्रिएट अ आर्ट फॉर्म आउट ऑफ इट. देन केम स्नीकर्स पे पेंट करना, धीरे धीरे क्लोदिंग वेयर आ गया. आई क्रिएट कस्टम्स, टोटली वन ऑफ वन कस्टम्स जो यू क्रिएटेड आउट ऑफ स्क्रैप एंड दे आर सो डिटेल्ड. कोविड के टाइम पे आई डिडंट फील एनी डिफिकल्टी बिकॉज आई वॉज वैसे भी जॉबलेस. मुझे इतना पता लग गया था कि मेरे को आर्किटेक्चर नहीं करनी है अब. आई वॉन्टेड टू परसू समथिंग इन दिस. कोविड में ऐसा हुआ कि इट गेव मी टाइम टू वर्क ऑन दिस एज अ आर्ट फॉर्म, एज एन आर्ट स्टाइल. आई रैन थ्रू एवरी फैब्रिक, शूज, स्नीकर्स, हाउ टू पेंट देम. ये 2-3 साल मैंने इतना इस पर रिसर्च किया टू क्रिएट एन आर्ट इन इट सेल्फ विच इज कॉल्ड कस्टमाइजेशन. चंडीगढ़ इज नॉट रैंडमली प्लान एंड इट जस्ट लुक्स ब्यूटिफुल. सो ली कॉर्बूज़ियर ने सेक्टर्स को डिवाइड किया ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ गोल्डन रेशो एंड मॉड्यूलर मैन. सो दिस इज व्हाट आई ट्राई टू पोर्ट्रे फ्रॉम हिज लेंस ऑन माय आर्टवर्क. जो आउटफिट भी मैंने पेंट किया है, आई यूज्ड पॉस्का एंड आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड ऑफ द क्वालिटी ऑफ द मार्कर्स. फैब्रिक के अंदर यू हैव टू हैव अ बेस कोट टू पेंट ऑन और टू डू एनीथिंग ऑन दैट. जो पॉस्का मार्कर था उसका विदाउट बेस कोट हमने फैब्रिक पे चलाया एंड इट गिव्स द सेम वाइब्रेंसी और सैचुरेशन ऑफ द कलर जो आपको एक बेस पेंटेड और उसके ऊपर जब हम पेंट करते हैं जो उस पर मिलती है. आई प्ले विद पेंट मोर देन अ मार्कर. द फ्लो जो उसका था पेंट का, इंक का, काइंड ऑफ सेम एंड द फ्लुइडिटी ऑफ द मार्कर वॉज सुपर अमेजिंग. इनफैक्ट द ब्रश, स्पेशली द गोल्डन ब्रश जिससे मैंने हैंड मॉन्यूमेंट पेंट किया है, the flow of the brush is super good. Like मुझे तो बहुत मजा आया in the sense के the tip is एक brush की तरह लंबा and it just goes on, it doesn't stop. The fact के आपको paint में से ना the finish of metal जो मिलती है, it gives the same metallic finish as that of the paint. I was quite surprised with that. और वो भी fabric के ऊपर without any base coat. And then I detailed it with the emote pens, 40 variants. Super thin, very pointy nibs, बहुत ही ज़्यादा you can detailed it out. जो fabric पे इतना सही चल रहा है वो canvases पे तो बहुत अच्छा चलेगा ही.
चारों ही प्रोडक्ट्स जो मैंने यूज किए, एक तो पोस्का मार्कर्स, पोस्का ब्रशेस, ईमोट पेन्स एंड योर यूनि पेन्स, इट गेव अ क्वाइट कलरफुल, वाइब्रेंट एंड अ वेरी डिटेल्ड लुक लाइक हाउ आई लाइक इट. आई लव डिटेल्स, आई एम ऑब्सेस्ड अबाउट दीज. छोटी छोटी चीज़ें ना तो वो बिल्कुल बैठनी चाहिए जैसा मैं चाहता हूँ. सो वो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी. बिफोर बींग एन आर्किटेक्ट, ली कॉर्बूज़ियर वॉज मोर ऑफ अ पेंटर हिमसेल्फ. हैंड मॉन्यूमेंट बेसिकली सिग्निफाइज के इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ ओपन टू टेक एंड ओपन टू गिव. ऑल ओवर चंडीगढ़ डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट साइजेस में, सेक्टर 17, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, इवन द हाई कोर्ट में पूरा ब्रिक चाली यू विल सी वेरी मच डिजाइन. दोज वेरी माइन्यूट एलिमेंट्स आई वॉन्टेड टू शोकेस इट इन द आर्ट. दिस वॉज हिज कंसेप्ट हाउ ली कॉर्बूज़ियर डिजाइंड द बिल्डिंग्स. Amazing experience.